और उन्होंने ये फायरिंग की थी, और फायरिंग में एक एएसआई और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है, पेंट्री कार का, उसमें वो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनका बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियन थे और एक एएसआई है। जो एएसआई है उनका नाम टिकाराम है, टिकाराम मीना राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन है उनके अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहां भेजा गया है, चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहिसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया, और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने शूटिंग की थी। फिर उसे जो भैंदर की टीम थी, आरपीए भैंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। अभी जीआरपी बोरीवली के वो हिरासत में है, अरेस्ट किया गया है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। सर क्या कुछ वजह पता चल पाई है, क्यों गोली मारी, क्या वजह थी, फायरिंग करेगी? नहीं, वजह अभी नहीं क्लियर है, अभी जांच से पूछताछ की जा रही है कि क्या विच वॉट लेड टू दिस फाइटिंग और शूटिंग इंसिडेंट। वो उसका एक जो कांस्टेबल है वो प्रॉपर अपने रोस्टर पे था, जो उनकी ड्यूटी रोस्टर रहती है, और रात में सौराष्ट्र मेल को लेकर सूरत गया था। सूरत में 4-5 घंटे का उनका ऑफिशियल ब्रेक रहता है, ब्रेक के बाद वो ट्रेन पे बोर्ड करके सूरत से इसको स्क्वाड करके मुंबई तक ला रहा था। सर आरपीएफ के बारे में जिसने गोली चलाई, क्या उसने अपने खुद की बंदूक से गोली चलाई, क्या कुछ और से पता चलता है, किस चीज से गोली फायरिंग? नहीं, फायरिंग तो अभी जैसा अभी प्रिलिम में जानकारी मिल रहा है कि ऑफिशियल वेपन से ही फायरिंग हुई है, और वो वेपन भी उसे सीज कर लिया गया है, ले लिया गया, उसको अरेस्ट कर लेंगे। बाकी अभी उससे पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश में जैसे फर्दर जानकारी मिले के पता चला। नहीं, उसकी सर्विस डिटेल उसका मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है। उसका नाम वैसे चेतन कुमार बताया जा रहा है, और बाकी उसके सर्विस डिटेल्स आपको शेयर करते हैं। सर क्या और भी जब जब ये घटना घटी, क्या और भी यात्री उस गाड़ी में मौजूद थे जब फायरिंग, क्या उसने कुछ मकसद से कुछ और इसमें सामने आ रहा है? नहीं, बाकी जो भी यात्री थे सारे यात्री सुरक्षित हैं, और उनको सुरक्षित मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतार लिया गया। टोटल इसमें 4 ही लोग जो इन्वॉल्व है, 3 सिविलियन और एक जो एएसआई है, टीकाराम मीना है, जो एएसआई उनका नाम टीकाराम मीना है। सर